वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सर वर्मा, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके सो दोस्तों, स्लीपर जिसका नाम चैनल का, उसके 1.67 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और इन्होंने कल नई वीडियो पोस्ट की है जिसका नाम है फैक्ट्स दैट वॉन्ट ब्लो योर माइंड। ओके सो इसमें ओबामा की फोटो है जिसमें लिखा हुआ है बॉर्न इन इंडिया। ओके तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या, क्योंकि यार इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने कुछ तो कुछ खास डाला होगा उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार ऐसा होता है ना कि कोई नॉर्मल सा बंदा एक्सेंट में इंग्लिश क्या बोल ले, हम उसे सीधा अमीर ही मान लेते हैं। मैंने तो एक बार कस्टमर केयर वाले से ही ताज में पार्टी मांग ली थी, पर ऐसे इंटरनेट पे कुछ अच्छे से प्रेजेंट करो तो सब सच मान लेते हैं। अब जैसे एक व्हाट्सएप फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए इंट्रो में मोदी जी का दिया हुआ टास्क, कंक्लूजन में मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी जी, जिसपे मुझे मोदी जी हमेशा कवर ड्राइव मारते हुए इमेजिन। What a master stroke by Modi ji. बॉडी में लिखिए नासा, क्योंकि बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें पता है नहीं। फिर एक अंग्रेजी नाम, क्योंकि मंटू मिश्रा पिंकी चौबे जैसे नाम पढ़ के तुम फॉरवर्ड तो करोगे नहीं। और फिर अपने एक इंच के दिमाग को बोलो बकलोली की सीमा पार कर दे। थाली साउंड प्लान वॉज ऑल्सो ब्रिलियंट, बट इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट प्लान वॉज लीक्ड एंड वायरस रैन अवे, साउंड कुडंट कैच हिम। CID का एपिसोड चल रहा है क्या कि वायरस खासी फेफड़े छोड़ के साउंड के साथ चोर पुलिस खेलने लगा। आफ्टर डिस्कसिंग विद नासा साइंटिस्ट थॉमस शेल्बी विदेशी पासपोर्ट। सबका यही में मुंह से पानी टपक के फॉरवर्ड दब जाता है, जबकि ये कोई नासा साइंटिस्ट है भी नहीं, बल्कि एक शो के कैरेक्टर का नाम है। पर वेरीफाई कौन करता है, हम तो बस पढ़ के निकल जाएंगे रस्ते पे। वो मिल गया कि टाइम पे कोई कंफर्म्ड बाय नासा फैला देता ना, लोग सही में ओम ओम करके जादू पकड़ने निकल जाते। और मोदी जी ने 9 मिनट का टास्क क्या दिया, सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो सॉल्व करने ही बैठ गए। 5th April means 9 total. Okay. 9 PM means 9 again. 9 minutes means 9. है क्या बात कर रहा है यार? 9 PM end time means 9. क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ आज। 9 is the magical number. पेट में भी तो 9 महीनों के लिए तो थे। इतना पॉजिटिव है नंबर 9 तो किसी को तो होना ही नहीं चाहिए कोरोना। ऐसी साइंटिफिक टट्टी करना सबके बस की बात नहीं। टोटका है दोस्तों, झूठ इतना ज्यादा फैलता है कि उसको फैलाने के भी अब बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये है और दूसरा है खुद को फैक्ट पेज बुला के कुछ भी झूठ फैलाओ। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट वाटर। तेल ही भी लेते हैं वहाँ के लोग, कोक में घासलेट की बर्फ डालते हैं, और जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले उस पे भी पेट्रोल ही डाल देते हैं। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो यकीनन वो इंसान भी आपके बारे में ही सोच रहा है। हेलो रणवीर भाई, सॉरी टू इन्फॉर्म बट दीपिका के ख्यालों में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। उनकी आंखों के अंदर झांक के देखा है कभी? साइकोलॉजी सेज द पर्सन हु लव्स ब्लैक कलर हैव द मोस्ट कलरफुल माइंड। वाओ वायलिन बजाओ, क्या प्यारे शब्द यूज किए, इनका कोई सेंस नहीं। कलरफुल माइंड क्या ब्रेन पे रेनबो का धब्बा लगा होता है, उन्हें दुनिया ऐसी दिखती है, या उनके ब्रेन सेल्स होली खेलते हैं? सीधा बोलो ना, पर्सन हु लव्स ब्लैक कलर इज नॉट रेसिस्ट। अब नेक्स्ट वाला है नॉलेज गुरु इंडिया से, तो गेट रेडी फॉर सम नॉलेज। यह उसकी पसंद है को इंग्लिश में इट्स हर चॉइस बोलते हैं। शेक्सपियर की आत्मा यही फैक्ट पढ़ने के लिए भटकती है। और हमें लगता था कि सिर्फ यूट्यूबरों को ही ट्रेंड पे क्लिकबेट करना पड़ता है। कम खाने से आपकी उम्र बढ़ने की गति कम हो जाती है, और लंबी कम खाओ कमजोर हो जाओ, और उम्र लंबी करने के चक्कर में पहले ही मर जाओ। और उम्र बढ़ने की गति कम, मतलब थोड़े टाइम में मेरा छोटा भाई क्या बड़ा भाई बन जाएगा, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दे सकता भाई। एक तो इंडिया पाकिस्तान के बीच झूठे फैक्ट बना बना के आपस में लड़ रहे हैं, बेरोजगारी को इतना ऑब्वियस नहीं करते गाइस। हमने बोला ओबामा और प्यूटिन दोनों इंडियन है। ओबामा द फर्स्ट इंडिया प्रेसिडेंट बोर्न इन इंडिया, इंडियन मैन। ये पक्का लॉकडाउन में खुद की दारू बना के पी रहा है। और प्यूटिन जी का तो बर्थ नेम है राकेश नागर। पर इलोन मस्क और जेफ बेजोस तो लाहौर में पैदा हुए। हाँ बोल दो, इनका भी बर्थ नेम जेफ बफरीदी और इलोने अख्तर है। अरे बेयर ग्रिल्स को तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था, क्योंकि सरकारी नौकरी सुन के तो अंग्रेजों में भी चुल मच जाती है। मन से कुछ भी लिख के फैक्ट बोल देते हैं यार। सबसे ज्यादा ब्रेकअप सोमवार के दिन होता है,
लड़की पटती किस दिन है पहले वो बताओ। नवंबर में सबसे ज्यादा आई लव यू बोला जाता है। तो वैलेंटाइंस वीक क्या हमें सिर्फ जलाने के लिए बना है? प्रपोज डे पे बुकिंग की तो नवंबर की अपॉइंटमेंट मिल रही है क्या सबको? 9 महीने का इंतजार सिर्फ रिजेक्ट होने के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान के स्वस्थ बाल आवाज करते हैं। हमें तो नादे सुनाई। अगर आपकी कभी हंसी ना रुके तो खुद को जोर से चूटी काट लेना, हंसना बंद हो जाएगा। ये कैसा सोल्यूशन है? ऐसे तो दिन अच्छा जा रहा है, पेड़ तोड़वा लो, हो गया दिन खराब। फैक्ट, दुश्मन अपने बर्थडे पे खुश है, उसके केक के कैंडल पे मूत के उसको बुझा दो। पीपल विद इजियर टू प्रोनाउंस नेम्स हैव हायर स्टेटस पोजीशंस एट वर्क। हाय, मेरा कट गया तो मैं जिंदगी भर पियून ही बना रह जाऊंगा। पहला बंदा जिसकी पैदा होते ही करियर स्कोप जीरो हो गई थी। बेटा जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? Women find bald men more attractive. हाँ, इसीलिए मेरे दोस्त को उसकी वाली भक्त टकले बोलकर भाग गई थी। पता है जब दोनों मियां बीवी का एक एक फैक्ट भेजो तो वो झगड़ा कैसे करते हैं? Only 10% girls play sports. The rest play with boys' life. आदमी अपने जिंदगी का एक वर्ष सिर्फ औरतों को घूरने में बिता देता है। पर महिलाएं तो एक साल यही डिसाइड करने में लगा देती हैं कि क्या पहनूं। इतनी आवाजों से ये भी ठीक है पहले एक नया झूठा फैक्ट सोच के आऊंगी। जब मोजे से बदबू आए एक रात फ्रीजर में रख दीजिए, ठंडक से बैक्टीरिया मर जाएगा और बदबू आना बंद हो जाएगा। मोजा गया फ्रीजर में तो वॉशिंग मशीन में जाएगा आइसक्रीम। सर्टिफाइड फैक्ट बकलोलर। मेन हु किस देयर वाइव्स बिफोर लीविंग फॉर वर्क गेट इनटू फ्यूअर कार एक्सीडेंट। अजीब नहीं होगा कि तुम एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट लिखवा रहे हो और पुलिस सिर्फ पूछती है आज चुम्बन किए थे क्या? नहीं, इसीलिए। चलो जेल में तुम्हें इमरान हाशमी एंड चिल कराते हैं। आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वह आपकी जिंदगी की असल घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है भाई। सर्कुलर वोल्केनो इन न्यूजीलैंड, हु केयर? तो फिर ऐसा फैक्ट डाला ही क्यों? Who cares? क्यों डाला? So that is it for today guys. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो and we'll see you guys in the next one. ऊंट सबसे ज्यादा पादने वाला जानवर है, तो कोई जाके जानवरों के पादे गिनता है? दोस्तों, स्टार्टिंग भी ऐसे से हुआ और खत्म भी ऐसे से हुआ। अगर आप भी हंसते रहे और देखते रहे कि आप ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, अगर आपको लगा कि बहुत ही अच्छा तरीके से एंटरटेनमेंट हो गया और आपको शुरू से लेके एंड तक आपके 10 मिनट अच्छे तरीके से निकल गए और हंसते हंसते निकले, थोड़ा सा खून भी बढ़ गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे और मज़ेदार वीडियोज देखने के लिए दोबारा मेरे चैनल पे आते रहना। हो, चलिए अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, ऑलवेज योर वैल्यू शेयर साइल। बाय बाय। Oh,